हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई 2.0 पार्ट ऑफ अनअकैडमी। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आप सभी के अपनी सपनों की क्लास में। ये क्लास रोज शाम को 7 बजे डिफेंस एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम्स के लिए स्पेशल होती है। अगर आपको इंग्लिश को बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और टॉपिक वाइज सीखना है तो आप इस क्लास को रोज शाम को 7 बजे ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी लोग जानते हो कि अभी डिफेंस में जो सबसे करीब आपको एक बड़ा एग्जाम नजर आता है वो है आपका एनडीए का एग्जाम। एनडीए के एग्जाम्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बाकी डिफेंस एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके स्कोर को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं एनडीए के लिए या डिफेंस के बाकी एग्जाम्स के लिए वोकैबुलरी एक ऐसा सेशन है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें आपकी गलतियां भी ज्यादा होती हैं, मार्जिन ऑफ एरर्स भी इसमें ज्यादा होते हैं क्योंकि सही कंटेंट ना मिल पाने की वजह से आप इसमें ज्यादा से ज्यादा गलतियां करते हैं। और अगर आप वोकैबुलरी में गलतियां कर रहे हो इट मींस कि आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो डाउन हो जाएगी। अगर आपको अपनी कट ऑफ को ऊपर उठाना है तो वोकैबुलरी पर आपको फोकस करना होगा। अगर वो डाउन जाएगी तो इसका नुकसान आपको बहुत ज्यादा बहुत बुरी तरह से उठाना पड़ेगा। तो वोकैबुलरी के लिए आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो आपको हर हाल में एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने हैं। इसके लिए एक ही तरीका बचता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इसके अलावा इसका कोई और तरीका नहीं है जिसमें आप माहिर बन सके। प्रैक्टिस भी ऐसे कंटेंट की करनी है जो कंटेंट आपका एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि कुछ भी मिल गया बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, जो आपके एग्जाम्स पर फोकस करता हो, जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी हो। उस कंटेंट पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने वोकैबुलरी के पार्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके लिए डेली एक क्लास रखनी होती है सुबह 8 बजे। ये अपना वोकैब शो होता है और ये क्लास अपनी अनअकैडमी पर होती है। अनअकैडमी पर ये पूरी तरह से कैसी क्लास होती है? अनअकैडमी पर ये पूरी तरह से फ्री क्लास होती है। ये मिलेगी कैसे आपको? या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहां से क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो वहां से आपको इस क्लास का लिंक मिल जाएगा। देखो तो मैं ये नहीं कहता कि मैं एक दिन आऊंगा और जादू की छड़ी घुमाऊंगा और वोकैब कंप्लीट, वोकैब आपको याद हो जाएगी। आपको अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। टेलीग्राम का नाम क्या है? टेलीग्राम का नाम है संजीव सर इंग्लिश अनअकैडमी। ये आपका टेलीग्राम का नाम हो गया। इसके अलावा आपको अपने कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो केवल और केवल प्रैक्टिस मांगता है। कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, क्लोज टेस्ट, ये वो टॉपिक है जिनमें डेली आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इनमें कोई रूल तो होते नहीं है कि आपको हर बार टीचर का सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी, हर बार टीचर से मिलने की जरूरत पड़ेगी। ये वो टॉपिक्स होते हैं जिनमें आप एक बार इनके जो लॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, इनके जो लॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको अगर आप ध्यान में रखते हो फिर आपको क्या करना है, इनमें बार बार प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते हुए इनको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अब इसका कंटेंट आपको चाहिए जो आपको हम प्रैक्टिस पीडीएफ के माध्यम से या फिर जो भी फ्री क्लासेस होती है उनके माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देते हैं। अब इसके लिए भी आपके पास एक क्लास होती है जो कि रोज शाम को 1 PM होती है। ये आपका मॉक टेस्ट है और ये भी आपका कहां पर होता है? अनअकैडमी पर ये भी क्लास होती है। इसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन, इसके प्रैक्टिस पीडीएफ भी आपको कब मिल जाते हैं? टेलीग्राम पर। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी एस्पेक्ट की। सबसे जरूरी चीज क्या है? ग्रामेटिकल पोर्स। आप ग्रामर में पूरी ग्रामर को रट डालो क्या? जितना रटोगे
उतनी ज्यादा गलतियां करोगे, जितना समझोगे उतनी कम गलतियां करोगे। ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर पर आपको फोकस करना है पिछले 3-4 साल के पेपर के आधार पर, सबसे पहले आपको ध्यान देना है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्रपोजिशन में भी आपको ध्यान देना है किस पर, फिक्स्ड प्रपोजिशन। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें झोला भर भर के गलतियां आप लोग करते हो, और अगर आप गलतियां करोगे तो कभी आप अपने स्कोर को अच्छा नहीं कर सकते। प्रपोजिशन के बाद एक टॉपिक आता है वर्ब, और इसमें किसमें गलतियां हो रही है आजकल, फॉर्म ऑफ द वर्ब में। और ये बहुत चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनमें आप गलतियां करते होंगे, चाहे भले उन गलतियों को आप मानते ना लेकिन आप इन गलतियों को करते हैं, बार बार इन गलतियों को आप रिपीट करते हो, फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन पर आपको ध्यान देना। और इसके अलावा वर्ब में एक और चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है, वो है जेरंड। जेरंड आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और अगर आप इसको इग्नोर करोगे, अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो आप नुकसान झेलोगे। तो फॉर्म ऑफ द वर्ब और जेरंड, ये वर्ब से रिलेटेड टॉपिक्स आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें एनडीए और डिफेंस के एग्जाम में, तो आर्टिकल के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आर्टिकल में मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है इंडेफिनिट आर्टिकल के क्वेश्चन मिलते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल को भी आप लोग ध्यान रखें, ए एन का यूज कहां करते हैं, कहां पर इनका यूज नहीं करेंगे, द के सुटेबल यूजेस क्या होते हैं, इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान देते हैं तो इसका फायदा भी आप लोग उठा सकते हैं। ये इसके अलावा एक और टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा जिस पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है, वो आजकल टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, तो इस कंडीशनल सेंटेंस को भी आपको ध्यान रखना है, ताकि एनडीए में केवल आप कंक्लूजन को पढ़ें, आप रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखें, कॉपी भरने वाली अप्रोच नहीं, केवल ऐसे ही लपेटने वाली अप्रोच नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और इन पर फोकस करेंगे तो इसका फायदा भी आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई। इसके लिए कौन सी क्लास आपको ज्वाइन करनी है, इसके लिए 11 AM क्लास होती है आपकी अनअकैडमी पर, जो की क्लास होती है कॉन्सेप्ट की क्लास। इस क्लास को आप डेली ज्वाइन कर सकते हो। इस क्लास से बेनिफिट क्या होगा, इस क्लास से बेनिफिट ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जो एग्जाम के लिए जरूरी कॉन्सेप्ट है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 11 बजे की क्लास के साथ ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनको भी आप ध्यान रखें, अनअकैडमी प्लस पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अनअकैडमी प्लस पर डेली लाइव क्लास, वीकली टेस्ट और ढेर सारी ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है, उनके लिए अनअकैडमी प्लस पर जरूर जुड़े आप लोग। CHSL की तैयारी कर रहे हो या अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस पर हमारे लिए प्रभाव में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं बेसिक से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, 2-3 क्लास हुई है, तो इस रेफरल कोड का यूज करके आप प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं अपनी यूट्यूब की क्लासेस की बात करूं तो डेली जो मेरी यूट्यूब की क्लासेस होती है, सुबह 10 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, शाम को 6 बजे वाईफाई स्टडी पर क्लास होती है, शाम को 7 बजे ये क्लास आपकी वाईफाई स्टडी 2.0 पर होती है। कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए ये रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं, संजीव 10। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, संजीव सर इंग्लिश अनअकैडमी, जहां से आपको क्लासेस के डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो क्लासेस में चीजें डिस्कस की जाती है उनकी आपको प्रैक्टिस PDF भी मिल जाएंगे। CGL CHSL के लिए एक बैच आपके लिए है जिसका नाम है सफलता बैच, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक बड़ा सरप्राइज आपके लिए आने वाला है, इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। आइकॉनिक फीचर्स के साथ अगर आप क्लास में जुड़ते हो और ये रेफरल कोड यूज करते हो संजीव 10, तो आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस में प्रायोरिटी मिलेगी, लाइव क्लासेस में प्रायोरिटी मिलेगी, अनअकैडमी के आज के डाउट फीचर में आपको प्रायोरिटी मिलेगी, और रेज ए हैंड फीचर में भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अपना डाउट आप अनअकैडमी की वेबसाइट या अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर अपने डाउट को सिंपली सबमिट करके पूछ सकते हैं। ढेर सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इन टेस्ट सीरीज का आप फायदा उठा सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। रेज हैंड आपका एक ऐसा फीचर है जिसमें टीचर आपसे ऑडियो के माध्यम से कनेक्ट होकर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा।
अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसके लिए रेफरल कोड के तौर पर आप यूज कर सकते हो ये संजीव 10। जब आप प्रोसीड टू पे पर जाएंगे तब आपको ये रेफरल कोड यूज करना है, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट के साथ साथ जो भी ऑफर आपके चल रहे होते हैं उन ऑफर्स को अवेल करने का भी मौका मिलता है। आपके पास मौका है लैपटॉप स्मार्टफोन ईयरबड्स जीतने का। ये अनअकैडमी पर टेस्ट है आपका 20 फरवरी को बैंक एसएससी रेलवे के लिए, तो इनरोल कर सकते हो। इसमें भी आपको अनलॉक कोड अपना यूज करना, और अनलॉक कोड क्या है संजीव 10। इसको इनरोल करने का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो ये थी मेरी तरफ से आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। उम्मीद है आप सब लोग रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, चाहे वो अनअकैडमी की क्लासेस हो या फिर वो यूट्यूब की क्लासेस हो। जब आप इन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे रेगुलर, तो आप लोग कंसिस्टेंट और रेगुलर स्टूडेंट बनेंगे, तो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल और इम्पोर्टेंट रहा होगा। मिलते हैं फिर अपने रोज के सेशन में शाम को 7 बजे। थैंक यू। जय हिंद।